जब हेल्दी खाने की बात आती है तब आता है स्प्राउट्स, और स्प्राउट्स खाने की बात आती है तब आता है स्प्राउट्स का सलाद, स्प्राउट्स की सब्ज़ी। तो चलिए आज इसी स्प्राउट्स से हम बनाएंगे कुछ बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही टेस्टी एंड भरपूर हेल्दी। तो यहाँ पर हमने स्प्राउट्स लिया है जिसको हम मिक्सर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। अब उसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, सारे रूटीन मसाले ऐड करने हैं। ऐड करना है नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, साथ ही में ऐड कर देंगे सौंफ, तिल और हिंग। तो यहाँ पर जो है हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। अब तवे को करेंगे हम गरम और उसके ऊपर ये डाल देंगे इसकी 2 चम्मच बैटर की और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसका ना ही थिक और ना ही ज़्यादा पतला, एक चिला सा बना करके तैयार कर देंगे। ये जो है खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत इनोवेटिव है। अगर स्प्राउट्स को जो है अगर आपने इस तरीके से ट्राई नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करिएगा। खाने में बहुत हेल्दी, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ फाइबर। और इसके ऊपर अब स्प्रेड कर देंगे हम थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से इसको और हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए सलाद ऐड किया है जिसमें हमने लिया है कैप्सिकम, धनिया, कांदा, टमाटर, कैरेट, और अच्छे से इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर चटपटा मसाला, आप चाहे तो चाट मसाला डाल सकते हैं, और ऊपर से डाल देंगे ग्रेट करके चीज़। ये जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी है। आप इसको नाश्ते में, डिनर में, किसी में भी बना सकते हैं और ये सबको भरपूर पसंद आएगा। इसको कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। हल्का सा इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक जो है इसे कुक कर देंगे, और ये क्रिस्पी भी हो जाता है और अंदर जो रहती है सॉफ्टनेस एंड मिक्स वेजिटेबल की, फुल ऑफ फ्लेवर और चटपटा हमारा चाट मसाला। इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और कट कर देंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी या सॉस के साथ। तो हमारे स्प्राउट्स की बहुत हेल्दी और बहुत इनोवेटिव एंड टेस्टी एक डिश बन करके तैयार हो गई है। तो इसको बना करके ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। जितनी ही दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी। अगर ये डिश आपने एक बार बना ली तो आप बार बार बना करके ज़रूर ट्राई करेंगे, गारंटी है मेरी, क्योंकि इतनी ही टेस्टी और इतनी ही हेल्दी है।